दादी अपनी पोती को लाना चाहेंगे यहाँ पे ला सकते हैं। तो उसके लिए सूचना उसको दिए हैं कि मेरे पोती को यहाँ पे भेज दीजिए कि हम लाने के लिए जाएंगे। देता दादी मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अभी आपका पोती कहाँ है? सिखा पढ़ा का दयादल खन रहिए में मत रहड़िया में किसके यहाँ है आपका पति? उमेश यादव। उमेश यादव जो हाँ लड़का का पिता है हाँ उसी के यहाँ है। तो क्या ओकरे आप एक बार खाते हैं कि दिन में दो बार? ऐसे में आप जी थोड़े पाइएगा। चल जेबे ना दादी आपका खाना कहूं कौन खिलाता है आपको? सुगमय घर को बनहा कोई ना कोई ना आप लोग को मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये रहा आरती का घर जिसमें आरती नहीं बल्कि छोटू का मौत किया गया था। आप देख सकते हैं छोटू का बेरहमी से कत्ल किया गया था। आप लोग देख सकते हैं पूर्ण रूप से टूटा हुआ सारा कुछ बिखरा हुआ टूटा हुआ है और मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। और ये रहा आप लोग देख सकते हैं बेडशीट पलंग जिसपे आरती के बॉयफ्रेंड छोटू का हत्या कर दिया गया। और ये रहा खिड़की जिस खिड़की से छोटू ने आवाज़ चिल्लाया और उसका पापा सुने। पापा का आवाज़ चिल्लाते हुए छोटू ने पानी मांगा, उसका पापा पानी दिया, पानी नहीं देने दिया। कई लोगों ने पता चला यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रूम है जिसमें पता चला सुबह 5 बजे का घटना है। तो देख सकते हैं आप लोग मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। दूसरे रूम में बंद कर दिया गया था आरती कुमारी को। आप लोग देख सकते हैं मिलने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, कोई शायद नहीं है। आप लोग देख सकते हैं 2-3 रूम है यहाँ पे, 4 रूम है। आप लोग मेरी ब्लॉग्स वीडियो के माध्यम से आप लोग देख चुके हैं, कई जगह मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। सच्चाई घटना आप लोग देख चुके हैं मेरे ब्लॉग्स वीडियो के माध्यम से। ये काफ़ी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, पूरी सच्चाई पूरी वीडियो खुलासा आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोग को देखने का और दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग देखिए ज़रूर मेरे ब्लॉग्स वीडियो के माध्यम से। ये सोई हुई है लेकिन कौन है नहीं है, मैं अभी दरवाजे पे पहुँच चुका हूँ। आपका घर है ये दादी? थोड़ा बैठिए दादी उठ के। ये हुआ दादी, आप कौन है, आपका घर है यहाँ पे? आरती का आप कौन हुए दादी? दादी ये है आरती का दादी और इनसे आप लोग को मैं घरे मिलवाने चाहता हूँ। तो बताइए हत्या कैसे हुआ? में रहे ताला लागल था नहीं कोई देखलियो मारलक ताला लगा दम को सब छोटू को मारलक यहाँ पे कौन बुलाया दादी? आरती आरती फोन करके आरती बुलाया, आरती बोला लेकिन उसका तो कहना है कि भाभी नहीं छोटू को बुलाया यहाँ पे। नहीं बाबू झूठ आरती भाभी ने भाभी से कहियो ने बना आरती के तो यहाँ पे छोटू का जो हत्या हुआ और आरती तो बुलाया, मतलब कितने बजे यहाँ पे छोटू आए? 2 बजे। 2 बजे रात में। हाँ अच्छा बेटा हो तुझे ककरो घर के भाव मेरी सूरत देखी नहीं, वो तो सही बात है। सबके चाहिए इज्जत नहीं छा आरती करके भागो आई हमार पोता के वह से संख्या दल को सेरे रात के तोरा में सुतल रह तोर घर में चोर लुकल रह हमार पोता बिलांस भै वह से बात तब पहरा करे लानो तो 2 बजे रात के फिर ऊपर में हमार पोता गर्मी रहे। तो दादी का कहना है कि छोटू को आरती का भाभी नहीं बुलाया बल्कि आरती आरती ही बोला फोन करके बुलाया गया। हाँ ये दादी का सच्चाई कठिनाई है, घटना आप लोग दादी का सुन रहे हैं। तो दादी जिसमें घटना था जिसमें मारा पीटा जा रहा था उसमें आप दादी कहाँ थे? अच्छा वही टीन घर सबका हटा दिलिए बेटों का पोतों का नहीं मारिए तो घर में का बन के दल के आरती चल गए ओकरे मामा सबके बोला बोले चलो कोई नहीं आबे सब ऊपर में से तार कोई ना आबे कहे सबको चलो बचा दियो दुइये टा हमार बेटा हमार पोता दुइये बाप और कोई नहीं। तो आरती का दादी का कहना है कि आरती का जो प्रेमी था छोटू उसका ननिहाल है इसके घर के बगल में। कोई तो वो जो उसका नाना और जो रिश्ता में आप लोग को कौन लगता है? नहीं तो इनके रिश्तेदार में कोई लगते नहीं, इसके बगल में उसका छोटू का ननिहाल है
और वो यहाँ पे आए थे, तो कुछ आप लोग बातें देख चुके हैं, सच्चाई और घटना कहाँ हुआ भी मैं स्थिति आप लोग को दिखाने का प्रयास करूँगा। लेकिन कई चैनल पे दादी आप बोल चुके थे कि छोटू के बारे में, छोटू कुछ न कुछ बोल रहे थे कि हम यहीं रहेंगे, उसमें क्या बोले थे? घर में ओकरा बन के दलको मारि के, घर में बन के दलको, आब की कलको नहीं कलको, तला लागल हो, कोई ना ओकरा देखे, कोई ना। दादी अभी घर पे कौन कौन रहता है? कोई ना। तो खाना दादी कैसे खाते हैं? कोई एक और कुत्ता को दे जाए।